Bye, Bijan. Bye, bye. Come, come. Bye, 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 bye. हेलो माय ब्यूटीफुल वर्चुअल फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब जहाँ भी हैं सेफ और सुरक्षित हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का जो व्लॉग है, जैसा आपने पिछले हफ्ते देखा कि हमने निधि का बर्थडे सेलिब्रेट किया, बर्थडे ख़त्म और उसी के साथ साथ हमारा ट्रिप भी ख़त्म। आज का जो व्लॉग है, आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ या आपको शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी दिल्ली से पटना तक की, कि ये सफ़र कैसा होगा, क्या क्या होगा। वो जानने के लिए आपको क्या करना है, वो जानने के लिए अगर आप चैनल तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लग रहा है। और सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, कि वहाँ भी मस्त मस्त स्टोरीज पर डालते रहता हूँ। और अभी मैं हूँ अपने बस बालकनी में हूँ, सोचा कि यहाँ से एक ब्लॉग की शुरुआत कीजिए और आपको एक बार यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। अभी जो है थोड़ा सा फॉगी है, देखिए पता आपको समझ में आएगा कि नहीं। एक 360 डिग्री व्यू, पीछे का थोड़ा फेस थोड़ा ब्लर होगा या उतना क्लियर नहीं होगा, लेकिन ये पूरा यहाँ का व्यू है पूरा। ये पीछे पूरा बस्ती है, गांव है यहाँ पे। और ये रहा इस साइड का पूरा जो व्यू, इधर तो पर फॉग है हल्का हल्का, आपको दिखेगा नहीं। और ये तो पीछे मेरा घर के एंट्री है बालकनी का, और ये दूसरा व्यू है। तो बस ठंड बहुत है, हालांकि अभी 11:30 बज चुके हैं, 5:30 की फ़्लाइट है, 1 बजे निकलना है, हमें 1 से 1.5 की निकल जाना है। तो अभी 11:30 बज रहे हैं, रेडी होते हैं और आपको पहले दिखलाते हैं कि अंदर में अंदर का माहौल क्या है, क्या क्या चल रहा है अंदर में। आइए आपको एक बार अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। आप तो सब लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। आज वीकडे मंडे है, आज 17 जनवरी है, और यहाँ अरुण भी अपने काम पे लग गए हैं, तो वर्क फ्रॉम होम चालू है। और निधि मैडम का आज एक्चुअल जो बर्थडे है, तो आज पूरा दिन से काम कर रही है, आज से काम कराया जा रहा है। बर्थडे जैसे एक दिन पिछले मीन संडे को था, तो उस दिन पूरा पैम्पर किया गया, और इसको भी एक बार की तो यही लगने लगा कि इसका बर्थडे संडे को ही कल ही है, लेकिन लेंस कुछ करा ही नहीं, बर्थडे आज है लेकिन आवाज नहीं, किचन में काम हो रहा है इसका, वही बात है। एक बात बताओ, कल पूरा पैम्पर हुआ, मैंने पूरा लंच कराया ठीक है, और आज बर्थडे नहीं काम, आज कैसा लग रहा है? आज बर्थडे हो रहा है, बहुत खराब लग रहा है, इसका भी अपना अलग ही मजा है। और दीदी लंच लगी पूरे हफ्ते का काम पे, सब तरह काम पे लगे हुए। चलिए हम भी रेडी होते हैं, रेडी होने के बाद से बनते हैं, क्योंकि ऐसा समय भी हो रहा है, 11:30 हो चुका है, कि यहाँ पे कैब भी तुरंत बनता नहीं है, कैब थोड़ा टाइम लगता है आने में। तो मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी, फ्रेश होता है यार एकदम गर्म पानी से, और फिश है आज, फिश और राइस। तो कहावत है जतरे पे ही निकलते तो फिश राइस खा के जाते हैं, तो चलिए पर फिश राइस खाए तो फटाक से, तो फिश राइस खा के कैब बुक करके तब मैं मिलता हूँ मैं आपको। हालांकि कैब यहाँ पे मिलता है, लेकिन थोड़ा सा वो मौसम के हिसाब से भी होता है कि अगर फॉगी है या ठंड है, नहीं तो जल्दी कैब मिलने में तो दिक्कत ही होता है, सिंस ठंड है ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, 15-20 मिनट लग जाता है कैब आने में। तो चलिए खाते हैं, खा के कैब बुक करके फिर मिलते हैं। तो फाइनली ऑल सेट रेडी टू गो, ये हमारा लगेज है पूरा, ये सारा लगेज हो गया, और इसको हम नीचे लेके चलेंगे। और हल्का सा प्लान में चेंज ये हुआ है कि जय छोड़ने चलेगा, तो गाड़ी भैया की गाड़ी है, भैया सिंस मीटिंग में व्यस्त हैं, इनका तो कुछ ऑफिस का काम है, तो भैया घर पर रहेंगे, जय छोड़ने जाएगा। तो सामान नीचे रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। सामान हम लोग का जा चुका है, जय और भैया के सामान चले गए हैं, एक सूटकेस वहाँ पे रखा हुआ है, उस सूटकेस में भी जाएंगे, लिफ्ट बुलाते हैं, लिफ्ट को कॉल करते हैं,
टाइम तो नहीं लगेगा, मास्क दोस्त ले गया मैंने। और कुछ कौन सा आएगा, लिफ्ट आएगा, चलिए लिफ्ट आता, लिफ्ट वेट करते जल्दी से लिफ्ट आता, फिर चलते नीचे। तो फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, ये पीछे दोनों भी है, जय ड्राइव कर रहा है, ड्राइविंग सीट पे है और ऑल सेट रेडी टू गो, चलते एयरपोर्ट दिल्ली टर्मिनल 2। फाइनली पहुंच गए हम लोग, बस चेक इन करते हैं, बस सामान उतारते हैं फिर मिलते हैं। फाइनली जो है सामान बहुत ज़्यादा था हमारे पास, तो दो ट्रॉली हुआ है, एक ये ट्रॉली मेरे बैठने के लिए और ये दो ट्रॉली है। जय हमें छोड़ के चला गया है, वही कैसा लगा है, वही बहुत एक्साइटेड इस पर बैठ करके। तो चलिए घास भी चलते हैं, पहले चेक इन करते हैं, चेक इन करने के बाद मिलते हैं। हाँ फाइनली हमारा चेक इन करके हो गया है, लगेज जो है सामान चला गया है, कुछ हाल लगेज हमारे पास जहाँ बैठे हुए हैं। जब से कोविड का बीच में ढिलाई हुआ था तो भीड़ बसी बढ़ रहा था, अब जब फिर से कोविड बढ़ रहा है, फैल रहा है, फिर से वैसे ही पूरा जो खालीपन वाला माहौल है वो पूरा आ गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का रूल फॉलो हो रहा है, एयरपोर्ट थोड़ा खाली खाली है, तो जो सिक्योरिटी का था सिक्योरिटी भी तो जल्दी बहुत ज़्यादा भीड़ था नहीं, तो खैर अब कोविड है, देखते हैं ये कब तक चलता है। मैं तो बस यही बोलूँगा, आप लोग जहाँ भी घर पे रहिए, बस ज़रूरी हो तो ही निकलिए, क्योंकि हम तो निकल चुके थे उस टाइम, ऐसा कुछ था नहीं, हम जब यहाँ आ गए तब अचानक से केसेस बढ़ना शुरू हुआ तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो फाइनली यहाँ से निकल के घर जा रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद दो तीन दिन तक एटलीस्ट कोशिश करूँगा कि कहीं ना निकलूँ, घर पर क्वारंटाइन रखूँगा अपने आपको सब लोग को, उसके बाद ही फिर कुछ अपना एक्टिविटी स्टार्ट करूँगा। चलिए अब देखते हैं, मोहिनी मैडम बोल रही है कि टॉय खरीदने के लिए, देखते हैं क्या मूड बनता है इनका, तो देखते हैं, बने रहिए चैनल पर। फाइनली मैडम शॉपिंग कंप्लीट, हैप्पी आपका, लेकिन वही चीज़ है जिसको जब कुछ चाहिए होता है तो पापा की याद आती है, नहीं तो ये मम्मा की फैन है ना। चलिए मम्मा के पास चलो। फिलहाल तो लग गई है थोड़ी सी भूख, हल्की सी भूख, तो कुछ नहीं तो मछली चावल निधि ने खिला दिया था, तो मछली चावल खा के चला था, पर फिर थोड़ा सा हल्का था फील हो रहा है, तो थोड़ा सा बहुत हैवी थी, बहुत लाइट। तो आप क्या खा रही हैं, ये मैडम गार्लिक ब्रेड खा रही है, ये पिज्ज़ा चिकन पिज्ज़ा, कौन सा पिज्ज़ा है, चिकन टिक्का पिज्ज़ा,
इसको देख लीजिए। तो चिकन टिक्का पिज्जा है और ये गार्लिक ब्रेड खा रही है मैडम। तो चलिए हल्का सा पेट पूरा कर लेते हैं क्योंकि 4 बजे अभी तक गेट का कुछ अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। हालांकि मैसेज आया कि गेट 28 है, तो खाने के बाद फिर चलते हैं गेट 28 की तरफ। तो हमारा पेट पूजा करके हो गया और अब हम लोग अब यहाँ से चलेंगे अपने गेट की तरफ, क्योंकि नीचे जाना है गेट 28। चलिए सामान सब जल्दी ऑर्गेनाइज करा करके चलते यहाँ से। चलिए बाय बाय। जो है हम लोग अपने गेट की तरफ के बैठ के हैं, वही मैडम बहुत बोर हो रही है, यहाँ से चलना है, फ्लाइट आएगी उसके बाद ही जा पाएंगे हम लोग। और एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली है, अगर आपको देखें तो वहाँ पे पूरा खाली है, इधर भी पूरा खाली है और बस वेट कर रहे हैं। चेक इन शुरू हो चुका है और मतलब सॉरी बोर्डिंग शुरू होगा थोड़ी देर में, गेट अनाउंस हो चुका है गेट 28 के बाद आके बैठ चुके हैं हम लोग। चलिए ऐसे बोर्डिंग शुरू होगा, फिर बोर्डिंग में मिलते हैं। फाइनली बोर्डिंग शुरू हो गई, हम देख रहे हैं 28 पे जो पीछे लाइन है वो फ्लाइट 2323 के लिए ही हो रही है, 6323 बोर्डिंग चालू है। चलिए बोर्डिंग करते हैं फिर मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग की बोर्डिंग हो चुकी है, बैठ चुके हैं। वही मैडम ने विंडो सीट ले लिया है, पता नहीं बाहर का शूट कर पाऊँगा कि नहीं, रिक्वेस्ट करूँगा कि सीट एक्सचेंज करें थोड़ी देर के लिए। तो अगर शूट करिए तो ठीक है, अगर शूट नहीं करता तो समझिए कि उसने एक्सचेंज नहीं किया, पता नहीं। चलिए जैसा होगा, अगर शूट मतलब वहाँ गया तो बाहर का पूरा नज़ारा दिखाऊंगा, नहीं तो फिर पट्टा पहुँच के। फिर से जो है खाने पीने का सिलसिला चल रहा है, मम्मी मैडम को लगी थी भूख और खाना की भूख लग गई थी, मैगी का मजा ले रही है। फाइनली हम लोग पटना पहुंच चुके हैं, यहाँ पर फिर का सामान का वेट का सामान आ रहा है। मम्मी मैडम से बैठ चुकी है मज़े से और हमें बस वेट करें लगेज लगे लगेज लेके निकलते हैं यहाँ से। पटना की धरती पे मैं पहुंच चुका, हम सब पहुंच गए। ये मजे से चलो बैठे बैठे बैठे। नागेंद्र हमें लेने आए थे, छोड़ने के लिए आए तो नागेंद्र फिर लेने भी आए हैं। तो नागेंद्र का भी कहना है कि भैया बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा, तो सही वाकई में बहुत ज़्यादा लंबा रहेगा हम लोग। बट चलिए कोई नहीं, देर है दुरुस्त है और बस अब यहाँ से निकल पड़े हैं, एयरपोर्ट से घर की तरफ जा रहे हैं। 10-15 मिनट पहुँच जाएगा, ट्रैफिक नहीं रहेगा तो बाकी घर पहुँच के देखते हैं घर का कंडीशन कैसा है क्या है। बहुत टेंशन हो रहा है क्योंकि पहली बार इतने लंबे समय तक घर से बाहर हो, घर में कोई नहीं है, सब माँ लोग रहती थी तो अलग बात था, अभी कोई नहीं है, घर पूरा बंद था। चलते हैं घर पहुँचते, पहले पहुँचने के बाद सेटल डाउन होकर तब फिर मिलते हैं, क्योंकि घर पर क्या हालत रहेगी वही मैं दिखाने की हालत पर नहीं रहूँगा, पता नहीं देखता हूँ कैसा क्या है। कुछ अगर रहा तो दिखाने लायक तो दिखलाऊँगा, शेयर ज़रूर करूँगा आपसे मैं। तो चलिए घर पे चलते, घर पे घर पहुँच के देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो फाइनली हम लोग अपने घर पे पहुंच चुके हैं, तो पहले सामान सेटल डाउन करते हैं, सामान ऊपर पहुंचाते हैं, ऊपर जाके तब फिर आराम से सामान रखने के बाद मिलते हैं आपसे। तो फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, कोई गड़बड़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ क्या बोलो बोलो बोलिए। हाँ हो गया,
इसका बस यही चक्कर रहता है, बस ब्लॉग बनाने के लिए बस थोड़ा सा फुटेज खा लिया बस हो गया, तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ। एक्चुअली एक डर तो रहता है, तो चलिए ठीक है, जो डर था वो चीज़ नहीं हुआ, सब कुछ घर बहुत अच्छे से है, बढ़िया है। और बस अब चलो ना चेंज कर रहा हूँ, मोही थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिए प्लीज़, आइए ब्लॉग इन करना है, ब्लॉग इन करना है, आइए आइए आइए, अभी फुटेज खा रही है। चलो ठीक है, बिना किसी देरी के अब बस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जैसे ही मैंने ये नाम लिया, ये देखिए किसकी एंट्री हुई आगे, मेरी चीकू मेरी, और रो गया तो बहुत मस्ती हुई हमारी। एक मिनट, आपको एक चीज दिखाना है। हाँ दिखाइए, ये जो से एयरपोर्ट से खरीदा था छोटा भीम और छुटकी, ये उसके गिफ्ट है। और चलिए बस अब बिना किसी देरी के व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, यही ख़त्म करते हैं। एक बहुत ही अच्छी जर्नी है, बहुत ही अच्छा सफ़र, और नए साल की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई हमारी, छुटकी बहुत पकी है। और बस अब इसी के साथ हम लोग यही अब मंगल कामना करते हैं कि भाई हमारा आगे का जितना भी साल रहे बहुत अच्छे से गुजरे, फिर अब से काम धंधे पर लग जाना है हमें। और यहाँ तक देखिए दोस्तों, देखने के आप सभी का दिल से शुक्रिया। और यहाँ तक देख लिया तो देखने के बाद सब्सक्राइब वाला बटन दब जाना चाहिए, और जो बेल आइकन वो हिट कर दीजिए जरूर, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और सोशल मीडिया फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं तब तक किसी मस्त और अच्छे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, बाय, गुड नाइट, बाय।